मूवी का स्टार्ट कैरोलाइन को दिखाते हुए होता है, जो कि एक नर्स थी और उसकी कोई भी फैमिली नहीं थी। इसीलिए वो एक ओल्ड एज होम में एज अ केयर टेकर जॉब करती थी और फैमिली ना होने की वजह से वो यहाँ के सभी लोगों से काफी अटैच थी। और यहाँ जिस आदमी से वो सबसे ज्यादा अटैच होती है उसकी डेथ हो जाती है और अब वो दुखी होकर ओल्ड एज होम छोड़ने का फैसला करती है। अब घर जाते हुए वो एक न्यूज़पेपर में एक जॉब देखती है जो कि एक केयर टेकर की ही थी और वो अब इस जॉब को करने का डिसाइड करती है। वो अपने घर वापस आने पर अपनी फ्रेंड से मिलती है और उसे भी न्यू जॉब के बारे में बताती है, जिस पर वो लड़की कहती है कि ये जगह जहाँ तुम जॉब के लिए अप्लाई करने वाली हो ये एक मिस्टीरियस जगह है। लेकिन कैरोलाइन उसकी कोई भी बात नहीं मानती क्योंकि वो ऐसी चीजों पर बिलीव नहीं करती थी। नेक्स्ट डे जब वो उस जगह पर जाती है तो उसे वहाँ लोक नाम का एक आदमी मिलता है, जहाँ वो उसे एक कपल से मिलवाता है जिनको असल में केयर टेकर की जरूरत थी क्योंकि बेंजामिन यानी वो आदमी पैरालाइज था। यहाँ उस घर की ऑनर कैरोलाइन से कहती है कि उसे बेंजामिन के साथ साथ इस घर का भी ख्याल रखना होगा क्योंकि वो घर काफी बड़ा था, इसीलिए वो लेडी उसे अकेली संभाल नहीं सकती थी। और यहाँ कैरोलाइन से पहले कोई भी केयर टेकर या मेड आने को तैयार नहीं थी और फिर लोक के कहने पर वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। फिर नेक्स्ट डे वो अपनी फ्रेंड को बाय कहते हुए अपना सामान लेकर उस अजीब घर के लिए निकल जाती है जो कि एक बिल्कुल वीरान जगह पर था। रास्ते में वो एक पेट्रोल स्टेशन के लिए रुकती है जो उसी घर के थोड़ा करीब था और काफी अजीब भी। यहाँ हर चीज काफी गंदी और काफी पुरानी नजर आ रही थी। उस पेट्रोल स्टेशन के बाहर वो अजीब ब्रिक डस्ट की लाइन नोटिस करती है, लेकिन उन चीजों को इग्नोर करते हुए कैरोलाइन वहाँ से चली जाती है। अब अपनी जॉब यानी उस घर पे पहुँचने पर वो लेडी कैरोलाइन को सारा काम बताती है, अपना घर दिखाती है और साथ ही वो उसे बेंजामिन के रूम में लेकर जाती है जो बेड पर लेटा हुआ था। वो पैरालाइज होने की वजह से ना तो हिल सकता था और ना ही बोल सकता था। मिसिस बेंजामिन उसे बेंजामिन की डाइट और मेडिसिन रूटीन बताती है और यही इस रूम में कैरोलाइन को दो बच्चों की फोटो दिखती है और वो जब फोटो को उठाती है तो उसके पीछे से एक मिस्टीरियस फोटो निकलती है जिसके ऊपर पापा जस्टिफाई और मामा सिसिल लिखा हुआ था। मिसिस बेंजामिन अब उसे एक की देती है जो उस घर की हर डोर को खोल सकती थी। उस घर का राउंड लेते हुए उसे काफी अजीब लगता है क्योंकि उस पूरे घर में कोई भी मिरर नहीं था। और जब वो मिसिस बेंजामिन से इस बारे में सवाल करती है तो वो कहती है कि अब हम बूढ़े हो गए हैं इसीलिए हमें मिरर की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद हम कैरोलाइन को उसकी जॉब करते हुए देखते हैं, यानी बेंजामिन का ख्याल रखते हुए देखते हैं। वो हर रोज उसे फ्रेश करने के लिए बाहर गार्डन में लेकर आती है। यहाँ गार्डन में मिसिस बेंजामिन उसे स्टोर से कुछ सीड लाने के लिए कहती है और स्टोर में जाने पर उसे वहाँ एक रूम नजर आता है जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो अब उस रूम को देखने के लिए जैसे ही अपनी की का यूज करती है तो वो की उस लॉक को ओपन नहीं कर पाती, हालांकि ये की इस घर के सारे डोर्स को ओपन कर सकती थी। वो काफी बार कोशिश करती है लेकिन डोर ओपन नहीं होता और फिर वो सीड लेकर मिसिस बेंजामिन के पास आ जाती है और उनसे उस रूम के बारे में पूछती है जो कि खुल नहीं रहा था। और फिर वो कैरोलाइन को बताती है कि जब से हमने ये घर लिया है वो रूम तभी से नहीं खुल रहा। नेक्स्ट सीन में कैरोलाइन जब सो रही होती है तो उसे बेंजामिन के रूम से कुछ आवाजें आती हैं जिससे उसकी आंख खुल जाती है और वो जल्दी से उस रूम में जाती है जहाँ वो बेंजामिन को बेड पर ना देखकर शॉक्ड हो गई थी क्योंकि वो पैरालाइज था और उसका चलना तो दूर की बात, वो तो खुद से अपने बॉडी के किसी भी पार्ट को मूव भी नहीं कर सकता था। और अब वो ये सोचकर पैनिक हो जाती है कि कहीं उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया। और जब वो उसके रूम की विंडो से बाहर देखती है तो उसे नजर आता है कि बेंजामिन इस तेज तूफान में घर से भागने की कोशिश कर रहा है और अब वो कैरोलाइन की देखते ही देखते विंडो रूफ से गिर जाता है। और कैरोलाइन जल्दी से मिसिस बेंजामिन को हेल्प के लिए बुलाती है और अब मिसिस बेंजामिन वहाँ पर आकर उसे जल्दी से व्हीलचेयर लाने के लिए कहती है। और जैसे कैरोलाइन व्हीलचेयर लेने के लिए रूम में जाती है तो उसे बेडशीट पर हेल्प में लिखा हुआ नजर आता है, जिसको देखकर पहले तो कैरोलाइन घबरा जाती है और फिर वो जल्दी से उस बेडशीट को छुपाते हुए बेंजामिन की हेल्प के लिए चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग उनके घर लोक यानी वो आदमी आता है जिसने कैरोलाइन को यहाँ जॉब दी थी। वो इस फैमिली का लॉयर था, साथ साथ उनकी देखभाल भी करता था। और यहाँ कैरोलाइन उसे बेडशीट दिखाने के लिए लेकर आती है जो उसने रात में बेंजामिन के रूम से उठाई थी, लेकिन जैसे वो बेडशीट ओपन करती है तो उस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। और फिर उसे लगता है कि ये सब कुछ उसका वहम है और कैरोलाइन को परेशान देखकर लोक उसे अपना विजिटिंग कार्ड देकर जाता है ताकि उसे अगर दोबारा कहीं मुश्किल हो तो वो उसे कॉन्टेक्ट कर सके। यहाँ अब कैरोलाइन बहुत कंफ्यूज थी, बेंजामिन का बाहर जाना, बेडशीट पर कुछ लिखा हुआ अपेयर होना और फिर गायब हो जाना। अब कैरोलाइन को इस सब का कनेक्शन उस मिस्टीरियस रूम से लगता है जो उसकी की से नहीं खुल पाया था, इसीलिए अब वो वहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए जाती है। और फिर हेयर पिन का यूज करते हुए उसे नजर आता है कि किसी ने की होल को ही ब्लॉक किया हुआ है, जिसके बाद उसी की से वो रूम भी खुल जाता है, यानी जो की उसके पास थी। और अब वो उस रूम को खोल कर उसके अंदर चली जाती है जहाँ बहुत सा रिचुअल सामान यानी जादू का सामान रखा हुआ था और उसे यहाँ
यहाँ पर एक ऑडियो रिकॉर्ड भी मिलती है जिस पर कॉन्जर ऑफ सेक्रीफाइस लिखा हुआ था। और तभी यहाँ पर मिसेस बेंजामिन आ जाती है जिससे कैरोलाइन जल्दी से छुप जाती है। कैरोलाइन हैरान थी कि वो यहाँ क्यों आई थी और दरवाजा खुला देखकर उन्होंने कोई रिएक्ट क्यों नहीं किया। तब उनके जाने के बाद कैरोलाइन उस कैसेट को सुनती है जो उसे उस रूम से मिली थी। और ये सब देखने के बाद वो अपनी फ्रेंड को एक होटल में बुलाती है जहाँ कैरोलाइन उसे अपने साथ होने वाले सारे इंसिडेंट्स और उस रूम के बारे में बताती है। जिसके जवाब में कैरोलाइन की फ्रेंड कहती है कि वो एक हुडो रूम है जो कि एक मैजिक रूम है और एंशिएंट टाइम में उसे यूज किया जाता था। अब अपनी बात को सच प्रूफ करने के लिए कैरोलाइन की फ्रेंड उसे एक हुडो शॉप के बारे में बताती है क्योंकि कैरोलाइन इन चीजों पर बिलीव नहीं करती थी बल्कि सिर्फ रिस्पेक्टिव प्लेसेस को ही मानती थी। इसीलिए कैरोलाइन अब उस घर के अंदर मिरर लेकर जाती है जिस पर मिसेस बेंजामिन उसे बहुत डांटती है और उसे इस जगह का सच बताती है कि इस रूम को बहुत सालों पहले दो अफ्रीकन सर्वेंट्स यूज करते थे और वो सर्वेंट से पापा जस्टिफाई एंड मामा सिसिल हुडो मैजिशियंस थे जिनकी फोटो मूवी के स्टार्ट में कैरोलाइन ने देखी थी जिन्होंने उस वक्त के ऑनर की बच्चों पर हुडो मैजिक किया था जिससे वो चारों मर गए थे। वो कहती है कि उस इंसिडेंट के बाद ये घर हमने खरीद लिया था फिर। और वो ये भी कहती है कि हम इस घर में मिरर इसलिए नहीं रखते क्योंकि उनको मिरर के अंदर पापा जस्टिफाई और मिरर सिसिल का रिफ्लेक्शन नजर आता है। मिसेस बेंजामिन कहती है कि हुडो मैजिक करने वालों का मानना है कि कोई पॉजिटिव हुडो मैजिक करने वाला अगर ब्रिक डस्ट पर हुडो मैजिक उनको करके दे तो वो सारी बुरी चीजों को दूर रख सकते हैं। तब इस बात पर कैरोलाइन को वो पेट्रोल स्टेशन याद आता है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में भी देखा था जहाँ पर कैरोलाइन ने ब्रिक डस्ट को भी नोटिस किया था। और अब वो दोबारा उस जगह पर जाने का डिसाइड करती है और अब कैरोलाइन को समझ आता है कि शायद बेंजामिन भी हुडो मैजिक की वजह से ही पैरालाइज है। फिर वो अपने फ्रेंड की बताई हुडो शॉप पर जाती है और यहाँ हुडो वुमेन उसे बेंजामिन को ठीक करने के लिए कुछ टूल और इंस्ट्रक्शन देती है और अब वो बहुत सी इन्फॉर्मेशन के साथ घर वापिस आती है। इसके बाद हम उसे बेंजामिन पर हुडो रिचुअल परफॉर्म करते हुए देखते हैं लेकिन सरप्राइजिंगली वो ठीक होना शुरू हो जाता है और बोलने के काबिल भी हो जाता है। वो कैरोलाइन से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज तुम मुझे मेरी वाइफ से बचा लो। और उसी टाइम अनलकीली बेंजामिन की वाइफ वहाँ पर आ जाती है जिसके आने पर कैरोलाइन कोई बहाना बना देती है ताकि वो पकड़ा ना जाए। और अब वो लोग से मिलती है और उसे बताती है कि मुझे मिसेस बेंजामिन पर शक है कि उन्होंने ही बेंजामिन को ऐसा बनाया हुआ है। पर वो कहती है कि अफसोस की बात ये है कि मुझे सिर्फ शक है। अब लोग कैरोलाइन की सारी बात समझते हुए उसे पेट्रोल स्टेशन लेकर जाता है जहाँ उसने ब्रिक डस्ट देखी थी। वो वहाँ की ऑनर से मिलती है जो कि एक ब्लाइंड लेडी थी और वो उससे कॉन्जर ऑफ सेक्रीफाइस के बारे में पूछती है जिस पर वो लेडी उन्हें बताती है कि वो हुडो मैजिक की मदद से दूसरे इंसान की बॉडी में चला जाता है और उसकी लाइफ भी जीता है यानी उसको मार कर उसकी उम्र खुद ले लेता है। ये बात सुनते ही वो दोनों यानी लूक और कैरोलाइन इस बात को मान लेते हैं कि बेंजामिन के साथ ये सब कुछ करने वाली उसकी वाइफ ही है। और वो इस बात को कंफर्म करने के लिए उसके घर के एक दरवाजे में रिचुअल ब्रिक डस्ट गिरा देते हैं। और जब सच में वो लेडी उस डोर को क्रॉस नहीं कर पाती तो उन्हें अपने आप पर और हुडो मैजिक पर बिलीव हो जाता है जिसके बाद वो डर कर बेंजामिन को यहाँ से लेकर भागने वाली थी लेकिन अनलकीली मेन गेट बंद होता है। फिर वो बेंजामिन को वहीं उस बिल्डिंग में छुपाते हुए खुद वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। और अब लूक के ऑफिस पहुँचने पर उस पर सबसे बड़ा फैक्ट रिवील होता है जहाँ से अब ये कहानी ट्विस्ट लेती है और उसे पता चलता है कि लूक और मिसेस बेंजामिन साथी हैं यानी वो दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं और असल में वो हुडो मैजिक का टारगेट बनी थी बेंजामिन नहीं। और तभी पीछे से यहाँ पर लूक आ जाता है और कैरोलाइन के गले में रस्सी डालते हुए वो उसे वापस उसी हुडो मैजिक वाले घर में ले आता है। और यहाँ कैरोलाइन की लूक की साथी यानी मिसेस बेंजामिन से फाइट शुरू हो जाती है जिससे कैरोलाइन अपने आप को डिफेंड करते हुए उस लेडी को नीचे गिरा देती है जिसमें उस लेडी की लेग्स टूट जाती हैं। और अब ब्रिक डस्ट का यूज करते हुए वो उन दोनों से बचते हुए रिचुअल रूम तक पहुंचती है और पुलिस को कॉल करने की कोशिश भी करती है और खुद वहां बने सर्कल में खड़े होते हुए कुछ पढ़ने लगती है। वो कुछ रिचुअल स्पेल पढ़ रही थी जिसे वो होली स्पेल समझ रही थी। यहां वो लेडी उसे बताती है कि तुमने खुद ही अपने आप को इस सर्कल में कैद कर लिया है और अब वो इस सर्कल से कभी बाहर नहीं निकल सकेगी। और अब वो जैसे ही अपने पीछे लगे मिरर में देखती है तो उसे अपने साथ साथ कहानी के सभी रिचुअल कैरेक्टर्स के भी रिफ्लेक्शन नजर आते हैं और आखिर में उसे मामा सिसिल का रिफ्लेक्शन नजर आता है। और उसके साथ ही कॉन्जर ऑफ सेक्रीफाइस की रिकॉर्डिंग खुद ब खुद चलने लगती है और सारी कैंडल्स भी बुझ जाती हैं। और यहाँ दो सॉल्स स्विच होती हैं यानी उनकी सॉल्स बॉडीज में चेंज होती हैं। और मिसेस बेंजामिन जिसके बारे में यहाँ रिवील होता है कि वो मामा सिसिल की स्पिरिट है और अब वो कैरोलाइन की बॉडी में चली गई थी और कैरोलाइन की स्पिरिट मिसेस बेंजामिन में चली गई थी जिसकी अभी अभी लेग्स टूटी थी यानी वो हैंडीकैप
गायब हो गई थी। यहाँ पर मामा सिसिल उसे एक पॉइजन पिलाती है जिससे वो भी बेंजामिन की तरह पैरालाइज हो जाती है और कुछ बोलने के काबिल नहीं रहती। और यहाँ हमें एक और बात रिवील होती है कि लोग के अंदर पापा जस्टिफाई की सोल है और वो अपने रिचुअल से लोगों की बॉडी यूज करते हुए अपनी एज बढ़ा लेते थे और इससे पहले भी उन्होंने अपनी सोल्स उन बच्चों की बॉडी में ट्रांसफर कर ली थी जिनके बारे में मिसेस बेंजामिन ने कैरोलाइन को बताया था। और उनको इस काम के लिए सिर्फ उन लोगों का इंतजार होता था जो हुडो मैजिक पर बिलीव करते थे, जिसके लिए उन्होंने कैरोलाइन का काफी इंतजार किया था, जिसके आने के बाद उन्होंने उसका हुडो मैजिक पर बिलीव स्ट्रॉन्ग किया और फिर अपना मिशन कम्प्लीट किया। यहाँ अब हम कैरोलाइन और लोकी स्पिरिट्स को उन बुढ़े लोगों की बॉडीज में देखते हैं जिनको एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था जो कि कैरोलाइन की कॉल पर आई थी। दूसरी तरफ मामा सिसिल और पापा जस्टिफाई दोबारा जवान हो गए थे और यही दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती।